जी भाई जान, कौन कौन से पराठे हैं आपके पास? आलू पराठा है, चिकन पराठा है, चीज़ पराठा है, केमा पराठा है, सादा पराठा है, पिज्ज़ा पराठा है। अच्छा, पिज़्ज़ा पराठा भी है, ठीक है। कितना बजे गया? कितना बजे नौ रूम है, बड़ा अच्छा होटल है आपका यार, बड़ा पसंद आया। ट्राई करते हैं मेन्यू। एक पराठा है, चिकन केमे वाला है। ये कौन सा है? आलू। आलू है, आलू। ये कौन सी चीज़ डालते हो? ये मेन्यू। पिज़्ज़े वाला भी लगा दो। पिज़्ज़े वाले में भी चीज़ जाती है। अंडा पराठा ये देखें, हमारे पराठे आ गए हैं। ये अंडा पराठा, जिसे ये पिज़्ज़ा पराठा कहते हैं। और ये नीचे वाला कौन सा है? आलू वाला पराठा, चीज़ पराठा, चीज़ पराठा, कीमा पराठा, कीमा पराठा। और आज और ये पराठे खाने वाला। मुझे लगता है आपने मुझे फंसे पर्दा रखने के लिए साथ लाया। नहीं नहीं, इसीलिए हम आपको अभी सामने ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पराठे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। अभी शुरू करते हैं, आपको भी शामिल करते हैं अपने साथ महफिल में, आपको भी शामिल करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है इनका। तो आइए फिर शुरू हो जाइए। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो फिर आपको कहेंगे कि आपने आना है। तो पराठे हमारे आ गए हैं, तो अभी हम ट्राई करते हैं। तो शुरू किससे करें? मुझे लगता अंडे वाले से करना चाहिए। तो अंडे वाले पराठे शुरू करते हैं। आपको नज़र नहीं आएंगे पराठे थोड़े नीचे हैं? ये आपके लिए। अच्छा, ये आप, थैंक यू थैंक यू। हम आपको खुद उठा के दिखाते रहेंगे। ये देखें जी, ऊपर अंडा नज़र आ रहा है। अभी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा,
अच्छा पराठा है, ऊपर जो अंडा उसमें नमक थोड़ा कम है, अगर नमक या वो काली मिर्च होती तो ज़्यादा नॉर्मल है। जिस तरह घर में आप अंडा पराठा खाते हैं, सिर के पराठा दूसरा है लच्छे वाला पराठा, ये लच्छेदार है और इसमें पराठे का टेस्ट आ रहा है अच्छा, पराठा क्रंची काफ़ी है, जब आप दांतों में टूटता है तो क्रंच क्रंच की आवाज़ आती है। साथ चाय की एक चुस्की लेते हैं, चाय देखने उन्होंने प्याली में दिया, वाह चाय बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की चाय है, चाय वाकई मज़े की है, पराठे का मज़ा चाय के साथ ही है तो पता हो गया। तो अभी दूसरा ट्राई, अभी आलू वाला ट्राई करते हैं, आलू वाला ये है नीचे वाला, आप उधर से छिकें और मैं इधर से छिकता हूँ, ये क्या आलू वाला, इसको तोड़ के खाना पड़ेगा, ये इधर से गर्म भी होता काफ़ी, जब स्टफिंग कर रहे थे वो तो आपको हमने दिखाया था, तो अभी हम आलू वाला पराठा ट्राई करते हैं, ये आलू वाला, ये आलू ऊपर सामने, इसमें आलू का टेस्ट आया लेकिन कोई इतना खास टेस्ट नहीं है, हाँ मतलब मज़े का नॉर्मल है, लेकिन पता चल रहा कि आलू वाला, आलू वाला इसमें तो ना नमक थी ना मर्च का, पता नहीं चल रहा था कि अंडा है, सादा अंडा ही फेंका है उन्होंने, इसमें कम अज़ कम इतना पता चल रहा कि आलू का पेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा मसाला नहीं आलू का, कच्चा कच्चा फूल हो रहा था, चाय की चुस्की तो साथ बनती है, मेरा ख्याल है कि इनका सारे टेस्ट को चाय इनकी कवर कर रही है, चाय की भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास, कश्मीरी चाय है, ये हमने जो पिया ये स्पेशल चाय है, एक नॉर्मल चाय भी है, कावा भी है, मेन्यू भी आपको इनका दिखाते हैं, जैतून चाय है, चॉकलेट चाय है, वो इनके पास तो नहीं है, वो ऊपर वाला था, वो स्टेडियम वाला, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे एक दिन, अब नेक्स्ट पराठे की बारी है, अगले पराठे की, ये चीज़ वाला एंड पे रहने दें, अच्छा चलो पहले कीमा वाला खाते हैं, अगर चीज़ फेवरेट है तो चीज़ एंड में, चीज़ का टेस्ट रखना है मुँह में, हाँ ये आ गया जी, ये आ गया कीमे वाला पराठा, इसके साथ केचप और मायोनीज भी दी है इन्होंने, लेकिन हम बगैर केचप और मायोनीज के खाएंगे ताकि असल टेस्ट पता चले कि कैसा है, वाह ये बड़ा पराठा वाकई मजे का, इसमें बाकी सही मसाला तैयार हुआ है, कीमे का सही पका हुआ है, हर चीज़ बैलेंस है, स्पाइसेस ना कम है ना ज़्यादा, हर चीज़ बिल्कुल एक लेवल के ऊपर है, इस पराठे की डबल शिफ्ट लग सकती है और ये आपको भी सजेस्ट किया जा सकता है, एड्रेस है इसका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो लड़कियों का, उसके बिल्कुल सामने आई है, क्या नाम था, न्यू क्वेटा दुबई, न्यू क्वेटा दुबई कैफे, तो ये एक बड़ी सी बाइट कीमे वाले पराठे का, क्योंकि इनका कीमा पराठा पास है, ये आपने लास्ट में ट्राई करना, लेकिन चाय की नहीं समझ आ रही, फिर चाय कैसे बनाते हैं, बहुत यूनिक सा टेस्ट है इसका और बहुत मज़े की, खालस दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जिस तरह आप अपनी लाडो का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भाई ने भैंस भी रखी हुई है, उसका नाम है लाडो, लाडो ही नाम है, हाँ लाडो ही है, क्यों वो हमारे नवाब है, वो नवाब आ जाएंगे, मुझे पता है कि असल चाय है और असल दूध का क्या टेस्ट होता है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि असल दूध इस्तेमाल करते हैं, अभी आखिर में चीज़ पराठा मेरा फेवरेट होगा या नहीं फेवरेट ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चीज़ जो है ना इसमें वो मेरी फेवरेट, चीज़ तो आपने ठंडी करा दी है रख रख के, अब देखते हैं होता क्या है, चीज़ काफ़ी मिकदार में डाली गई है,
वाह, असल ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि ये जिस चीज़ में जाती है उस चीज़ का मज़ा दबाला हो जाता है, यही बात है। आपने कहा कि चीज़ इन्होंने काफ़ी डाली हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डाल रही है, मुझे काफ़ी थिक फील हो रहा है। हाँ, हैवी फील हो रहा है काफ़ी, और मुझे नहीं लगता चीज़ पराठा खाने के बाद कि मैं कि दूसरी शिफ्ट लग सके, क्योंकि ये काफ़ी हम रखेंगे एंड में हम दोबारा से ये चीज़ वाला पराठा खाएंगे। हाँ, अभी कैचअप और माइनीज उन्होंने दी है, ये भी इंतज़ार कर रही है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा। अभी रेट का भी नहीं पता कि रेट क्या है, रेट भी आपको बताते हैं भाई जान, मेन्यू दे दें, चीज़ वाले पराठे की सेकंड बाइट, इसको डिप करें कैचअप में या माइनीज में, जो आपका टेस्ट है। माइनीज, ये मायनीज लगा ली, बहुत मज़ा आ गया, ये मेन्यू भी आ गया, चिकन पराठा 130 का, नहीं चिकन हमने नहीं लिया, कीमा लिया, कीमा 100 का और आलू 60 रुपए का, और इधर गया दूसरा चीज़ वाला, नहीं इन्होंने दो ही लिखे हुए बस, बाकी चिकन लिखा सादा और कबाब लिखा हुआ। चलें वो हम रेट पता करके आपको बता देंगे कि चीज़ वाले का क्या रेट है। अभी यहाँ पे पराठे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं और इनको ख़त्म करने का टाइम आ रहा है, तो अभी हम पराठे ख़त्म करते हैं, तब तक आप इंतज़ार करें, और अगर इंतज़ार नहीं हो रहा तो यहाँ पे आ जाएं और पराठे ट्राई करें। और ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर इस वीडियो पे ना हमारा 100 लाइक हो गया, ठीक है, तो जितने भी कमेंट होंगे हमारी वीडियो पे, उन कमेंट के दरमियान हम ड्रा करेंगे, लकी ड्रा जिस तरह होता है ना, दूसरे का ड्रा निकालेंगे, तो जिसका नाम निकलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जो है ना खाना खाएगा। सही है, आगे उसकी मर्ज़ी है, अगर वो कोई मेरी रेसिपी खाना चाहे वो भी, सही है, या स्ट्रीट फूड खाना चाहे वो भी, और ये फिर आप पे है कि आपने 100 लाइक करने कैसे हैं। ये जवाब साहब ने बड़ी अच्छी एक ऑफर दे दी और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी आप सब लोगों को, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार हमें साथ नहीं लेके जाते, अकेले जाते हो, तो आप सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, मैं कहता हूँ सुनहरी मौका है कि कोशिश करें हमारा लाइक्स इस वीडियो पे 100 तक पहुँचाएँ, और फिर जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में टोटल कमेंट्स होंगे उनका एक लकी ड्रा हम डालेंगे, उसमें से जिसका नाम आएगा, जिसका नाम जो मोस्ट आपके सामने हो, हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम सबके नाम आपको दिखाएंगे कि ये नाम हमने डाले हैं, ये बड़ी यूनिक और बड़ी इंटरेस्टिंग, और उनके डालेंगे जो पाकिस्तान में है, ताकि तो बाहर से तो आ नहीं सकते ना, जब पाकिस्तान में है उन सबके हम नाम डालेंगे। तो ये आप पे है कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और जिसको शेयर करेंगे तो उसे कहना है कि लाइक करना है, ताकि जब 100 लाइक होगा इस वीडियो पे तो ही ये लकी ड्रा होगा। ऐसे ही है, तो ये आपने फिर कोशिश करनी है 100 लाइक करने की, 70-75 तो वैसे भी हो जाते हैं। ये वैसे बड़ी एक अच्छा मौका आप लोगों के पास मौजूद है कि हमारे साथ खाने पीने का, जो भी लोग शिकायत कर रहे हैं ना उनको इंशाल्लाह उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। वो कह रहा उल्टा भी है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये 100 लाइक आपने करवाना है। अभी वो भाई कुछ बता के गए हैं तो मुझे याद भी नहीं रहा अभी मैंने क्या बोला। ये बात हो रही थी ना कि 100 लाइक्स करवाने, शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करने वाले को भी करना वो आगे शेयर करें, वो आगे शेयर करें, 100 लाइक आपने पूरा करना है, पूरा करना, उसके बाद लकी ड्रा होगा, लकी ड्रा में जिस लकी पर्सन का नाम आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो हमारे साथ हमारे साथ वो हमारी रेसिपी, वो उस पर डिपेंड करता है, वो जो डिमांड करेगा, वो जहाँ से भी कहेगा हम वहाँ लेके जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, जो आपकी पसंद होगी वो करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त मौका आप सबके लिए, सो कीप शेयरिंग, और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो अपनी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा कि चीज़ पराठे का रेट क्या है, तो और टोटल बिल हमारा कितना बना है, ये आप हम चीज़ें ये साथ बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि चीज़ का रेट क्या। कमेंट में लोग पूछते हैं कि जिस तरह हमने वो मटका बिरयानी खाई थी उसके रेट पूछ रहे थे, और उस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद की है कि आपने मटका बिरयानी मज़े की नहीं थी, तो आपने कह दिया कि मज़े की है, लेकिन हम किसी को बुरा तो नहीं कह सकते, हर किसी का अपना टेस्ट है, लेकिन हमने उस वीडियो में अगर आपने सुना हो तो हमने बोला था कि ये थोड़ी स्पाइसी कम है,
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करते हैं पसंद करते हैं तो आपके लिए वो नहीं थी ठीक, लेकिन हमने जो है ना फिर कमेंट्स किए हैं, कोई हमने अपने पास से नहीं किए कमेंट्स, जो हमें टेस्ट जैसा फील हुआ तवा पीस का हमने कहा था बहुत मज़े का, चटपटा था बहुत मज़े का, लेकिन मटका बिरयानी का हमने कहा था इसमें थोड़े स्पाइसेस कम है, उस वक्त हमने बोला भी था, शायद आपने सुना नहीं हुआ। और ऐसे ही अल्फाज होते हैं जिससे बंदा किसी को समझा सकता है, आप एकदम से एकदम हम बुरा तो नहीं कह सकते, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते और ना हम किसी को बुरा कहेंगे, ताकि हमें कोई हक नहीं है किसी की बिजनेस के बारे में कोई गलत दूसरे के माइंड में इमेज बनाने का, तो हम तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि फेयर कमेंट्स करें लेकिन घुमा फिरा के करें, डायरेक्ट हम किसी को बुरा नहीं कहते, बुरे वो नहीं थे लेकिन उसके स्पाइसेस कम थे, लेकिन उसके बाद हमने जो खाई है उसके बाद स्पाइसेस ऐड किए हैं बहुत मज़े की होगी। हम तीन चार दिन बाद फिर गए थे, उस दिन की वीडियो तो नहीं है ज़ाहिर है, वो हमारी दूसरी बात थी, लेकिन उस दिन बिरयानी भी अच्छी बनी हुई। आप जाएँ वहाँ पे, आप उन्हें कहें कि हमने स्पाइसी खानी है या स्पाइसी नहीं खानी, तो वो आपको इस हिसाब से बिरयानी बना के देंगे। तो ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द कोई बनेगी और आप इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, अगर 100 लाइक आपने नेक्स्ट वीडियो से पहले कर दिए। एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि दरमियान में अगर ऐसी अनाउंसमेंट हो गई और फिर आप कहेंगे कि वेला हाथों निकल गया, वेला हाथों निकल गया है, वेला हाथों निकल गया था, वापस नहीं आना, बल्कि वापस आना रहसी हूँ हर वीडियो, इंशाल्लाह कोशिश कर सकेंगे कोई ना कोई अपना सब्सक्राइबर अपने नाल रखें। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें, ऐसी चटपटी सी बातें होती रहती हैं, शुगर मेला लगता रहता है, तो आप उम्मीद है इसको इन्जॉय करें और हमारी बातों को आपने सीरियस नहीं लेना, माइंड नहीं करना हमारी किसी बात का, कोशिश तो करते हैं हम आपको एंटरटेन भी साथ साथ करें, तो शेयर कर रहे हैं फिर आपने लाजमी, ताकि 100 लाइक नेक्स्ट वीडियो से पहले करने की कोशिश करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाया उसमें आप हमारे साथ हों। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।